जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो रक्त पढ़े थे, रक्त के विभिन्न संघटक। विभिन्न संघटक में हम आपको बताए थे कि रक्त के दो संघटक होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। फिर हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। प्लाज्मा में हम आपको बताए थे कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है, और ये प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग होता है। फिर बताए थे कि प्लाज्मा जो है इसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आपको बताए थे प्लाज्मा प्रोटीन के प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, और तीन प्रोटीन बताए थे, फाइब्रिनोजिन था, प्रोथ्रोम्बिन था और हिपेरिन था। इसके बाद बताए थे सीरम की प्लाज्मा में से अगर हम लोग फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को बाहर करते तो उसके बाद जो शेष बचा हुआ प्लाज्मा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाएं में हम आपको बताए थे कि ब्लड का जो ठोस भाग होता है, सॉलिड भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। और आज उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले रक्त कणिकाएं जो है वो तीन प्रकार के बताए थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो आज जो है वो बारी बारी से रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले डालेंगे RBC। RBC जो होता है वो रक्त में उभयावतल आकार का, ठीक है ना, उभयावतल आकार का होता है। उभयावतल का मतलब क्या होता है, ऐसे आकार जिनका ऊपरी सिरा और निचली सिरा क्या होता है, अंदर जैसे बटन होता है तो बीच में गड्ढा जैसा, या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो तिलकुट देखे होंगे, तो ठीक तिलकुट के जैसा क्या होता है, उसका ऊपर और नीचे से क्या होता है, गड्ढा जैसा होता है, और उस आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयावतल आकार के बोलते हैं। और यही उभयावतल आकार किसका होता है, RBC का होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि RBC का आकार कैसे होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये उभयावतल आकार के कोशिका होता है, और इसमें कौन सा वर्णक मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक मौजूद होता है। तो देख सकते हैं RBC का डेफिनेशन, यह रक्त में उपस्थित उभयावतल आकार की का कोशिका है। उभयावतल आकार का कोशिका है जिसमें हीमोग्लोबिन वर्णक मौजूद होता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो उभयावतल आकार इम्पोर्टेंट है कि इसका आकार जो है उभयावतल आकार है, वो दिखने में तिलकुट के समान दिखाई देता है। तो एग्जाम में तिलकुट मत लिख देना, एग्जाम में क्या लिखना है, उभयावतल आकार लिखना है। इसके बाद कह रहा है कि इसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक मौजूद होता है। अब हीमोग्लोबिन बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो उनके साथ जुड़ जाते हैं और उनका परिवहन होता है। तो RBC का मुख्य काम क्या होता है हमारे शरीर में, तो RBC जो होता है वो हमारे शरीर में गैसों के परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो RBC हमारे शरीर में गैसों के परिवहन में सहायता करता है। गैसों के परिवहन में सहायता करता है का मतलब है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों में जाता है, और वहां से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वहां से उनको रिसीव करके कहाँ तक लाता है, फेफड़ा तक लाता है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसके बारे में पढ़े थे 9th क्लास में, कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। RBC जो है इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है, तो RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो RBC का जो निर्माण होता है, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो दो प्रकार के, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो जो बोन का ऊपरी सिरा होता है वहाँ पर कार्टिलेज जैसा होता है रेड कलर का, और उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं। रेड ऐसी बोन जो होता है उसके बीच में होल होता है, और उस होल में भी बोन मैरो भरा हुआ होता है, और वही बोन मैरो अस्थि मज्जा जो होता है वो किसका निर्माण करता है, RBC का निर्माण करता है। इसके बाद देख सकते हैं कि RBC का जीवन काल, RBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन करने का मतलब हो गया कितना महीना हो गया, 4 महीने का होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो RBC में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये क्वेश्चन
पूछता है कि आरबी कौन शरीर की कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है, तो वो कौन सी कोशिका है? आरबीसी कोशिका जिसमें केंद्रक मौजूद। अगर आरबीसी की बात करें तो 120 दिन के बाद आरबीसी जो है उसको नष्ट करने का काम जो करता है वो पलिहा करता है, इसलिए पलिहा को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। और आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो उसको किसको बोलते हैं, पलिहा को बोलते हैं। ये पलिहा एक ऑर्गन है, ठीक है ना, और इस ऑर्गन, ये ऑर्गन क्या करता है 120 दिन के बाद जो आरबीसी है उसको नष्ट कर देता है, और इसीलिए पलिहा को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसमें और कुछ देखें, चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम आपको लिखवा दिए हैं, तो आरबीसी क्या करिए पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। नेक्स्ट जो है वो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका आकार जो होता है ये गोलाकार भी हो सकते हैं या अनियमित आकार के भी हो सकते हैं, और इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन वर्णक मौजूद नहीं होता है इसलिए ये श्वेत रंग के होते हैं, और इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अगर इनके काम की बात करें तो ये हमारे शरीर में रोग से लड़ते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में इंटर करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, और हमारे शरीर को रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखने का जो जिम्मेवारी है वो किसके पास है, डब्ल्यूबीसी है, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। ये आपके शरीर को क्या करेंगे, कई प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि यह डब्ल्यूबीसी या गोलाकार, गोलाकार या अनियमित आकार, नियमित आकार की कोशिका है, कोशिका है जिनमें, जिनमें हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन वर्णक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक मौजूद नहीं होता है। अब इसकी कार्य की बात करें तो लिख सकते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी शरीर के प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र जो आपको रोग से बचाने वाला तंत्र है, मजबूत करता है, मजबूत करता है, तथा हमारे शरीर को, शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण से बचाता है, बचाता है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है वो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसा तंत्र जो आपके शरीर को रोग से बचाता है, ठीक है, उसको मजबूत करता है, और आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण से ये क्या कर रहा है, बचा रहा है। अभी बताया था कि आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक मौजूद नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक क्या होता है, मौजूद होता है। इसमें लिख सकते हैं नोट करके, डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रक्त कणिका तीसरा है, तीसरा जो रक्त कणिका है वो कौन आता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? अब आप लोग देखे होंगे कि जब आपके शरीर का कोई भाग जो है वो कट जाता है तो उसमें ब्लड बहना शुरू हो जाता है, और वो ब्लड जो है वो कुछ समय के बाद क्या होता है, बहना बंद हो जाता है, और उसके आसपास जहाँ पर कटा हुआ भाग उसके आसपास खून का थक्का जैसा जम जाता है, तो वो जो खून का थक्का जमता है, ठीक है ना, वो विशेष प्रकार के रक्त कणिकाओं के सहायता से जमता है, और उसी रक्त कणिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का तो मतलब क्या होता है, ऐसे रक्त कणिकाएं होते हैं जो खून के जमने में, खून के थक्का बनने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ऐसे रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसको लिख सकते हैं ऐसे रक्त कणिकाएं, ऐसे रक्त कणिकाएं जो खून जमने में सहायता करते हैं,
जमने में सहायता करते हैं या उसके बहाव को रुकते हैं, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अभी खून के बहाव ध्यान रखना, शरीर के बाहर जब खून बहता है तब ऐसा नहीं कि प्लेटलेट जो है वो शरीर के अंदर खून के बहाव रुक जाएगा, तो अगर शरीर के अंदर खून के बहाव रुक जाएगा तो फिर आदमी ये रुक जाएगा। ये खून के बहाव जो रुकने का काम कर रहा है वो जब घाव हो जाता है या कट जाता है तो वहाँ से जो ब्लड बह रहा होता है तो उस ब्लड को जमाने में जो सहायता करेगा या उसके बहाव को रुकने का जो काम करेगा वो जो रक्त कणिका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लसिका क्या होता है। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो पढ़ना है लसिका, या इसी को बोलते हैं लिम्फ। लसिका या लिम्फ क्या होता है तो इसको समझिएगा। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मान लेते हैं ये सीरा है और ये धमनी है। धमनी धमनी जो होता है वो ब्लड को लेकर के हृदय से दूर जाता है शरीर के जो अलग अलग भागों में, और शरीर के अलग अलग भागों से हृदय के पास रक्त को ले जाने का जो काम करता है वो सीरा करता है। तो जब इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा होता है उसी दौरान क्या होता है, इसमें से कुछ रक्त कणिकाएं बोले तो WBC, ठीक है, साथ ही साथ जो प्लाज्मा रक्त का प्लाज्मा होता है ये इनसे बाहर निकल करके इनके बीच में जो अवकाश होता है उस अवकाश में आकर के क्या होते हैं, जमा होते हैं, और उनके जमा होने से जो यहाँ पर एक तरल का निर्माण हो रहा है उस तरल को भी हम लोग क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रक्त वाहिनियों में जब रक्त प्रवाहित होते हैं तो उनमें से कुछ रक्त कणिकाएं विशेष करके WBC और रक्त जो प्लाज्मा होता है वो रक्त वाहिनियों से बाहर निकल के उनके बीच में जो अवकाश होता है उस अवकाश में आकर के क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, और उनसे जिस तरल का निर्माण होता है उस तरल को हम लोग क्या कह सकते हैं, लसिका कहते हैं। तो आपका जो किताब लिखा है वो लिखा है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच मौजूद WBC सही, ये जो बीच वाला स्थान इसको क्या बोला है, उत्तक या कोशिका बोला है, कोशिका बोला है आपका, वो इसमें लिखा है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच में WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। ध्यान रखना इसमें RBC प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए इसका रंग कैसा होगा, ये रंगहीन होता है। लिख सकते हैं कि उत्तक कोशिका, इसको बनाना नहीं है, इसके डेफिनेशन लिखिए उत्तक कोशिकाओं, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित, ध्यान रखना RBC नहीं होता है, WBC होता है, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, लसिका कहते हैं। ये तो आपकी किताब के अनुसार डेफिनेशन हुआ, और करके दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ऐसे यह एक रंगहीन तरल होता है जो कहाँ पर प्रवाहित होता है, लसिका वाहिनी, जैसे रक्त का डेफिनेशन कैसे बताते हैं कि रक्त जो होता है वो लाल रंग का तरल होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार से लसिका जो है वो रंगहीन तरल होता है जो किसमें प्रवाहित होगा, लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। लिख सकते हैं इसमें कि लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है, लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। तो यह हुआ लसिका के बारे में, इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त एवं लसिका में अंतर। सुनो चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग है रक्त एवं लसिका में अंतर। दो कॉलम बनेगा, एक तरफ रक्त और एक तरफ लसिका। लसिका अंतर आपको पता है, रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है और लसिका कैसा होता है,
रंगहीन होता है। रक्त के बारे में बताया कि रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है कि अस्थि मज्जा में होता है, जबकि लसिका जो होता है इसका निर्माण शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद जो लसिका गांठ होते हैं, लसिका ग्रंथि होते हैं, वहां पर होता है। या कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वो अंतरावकाश में होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि रक्त जो होता है इस ये रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है और लसिका किसमें प्रवाहित होगा, लसिका वाहिनी में प्रवाहित होता है। रक्त जो होता है इसमें रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं और इसमें रक्त कणिकाएं मौजूद नहीं होती। कौन मौजूद नहीं होता है, आरबीसी मौजूद नहीं होता है, जबकि इसमें आरबीसी मौजूद था। नेक्स्ट अगर बात करें तो रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है और ये जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। तो बारी बारी से लोग देखते हैं, चल सकते हैं, यह लाल रंग का होता है और ऐसा लिख सकते हैं लसिका में कि यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। सेकेंड लिख सकते हैं कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इधर लसिका में लिख सकते हैं कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है, ग्रंथियों में होता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि रक्त जो है यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जबकि अगर लसिका की बात करें तो ये किसमें प्रवाहित होगा, लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होगा, यह लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अगर इधर की बात करें रक्त के बारे में तो इसमें सभी रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं। और उसमें भी बताया कि आरबीसी क्या होता है, अब्सेंट होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं पांचवा, यह ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, जबकि इधर अगर देखें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी पदार्थ जो आवश्यक नहीं होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको बढ़ाता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यह है रक्त एवं लसिका में अंतर। नाइन्थ में भी लिखवाए थे, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग को पढ़ना है जंतुओं का हृदय। जंतु जो होते हैं उनमें रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पंप करने के लिए एक विशेष अंग होता है, ऑर्गन होता है, और वो ऑर्गन जो है वो हृदय है। तो हृदय क्या होता है अगर हम लोग बात करते हैं, हृदय अगर हम आप लोग अपने हृदय की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार रचना होता है जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ा के मध्य में ही होता है। उसका काम क्या है, ये शरीर के अलग अलग भागों में रक्त को भेजता है और शरीर के अलग अलग भागों से रक्त को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो भेजना और एकत्रित करना इसका मुख्य काम होता है, ये रक्त को एकत्रित करता है, उसको भेजता है। इसलिए हृदय को सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानता है, ठीक है, जाना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर हृदय होता क्या है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मानव हृदय देखेंगे तब। यहाँ पर अलग अलग जंतुओं का हृदय देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे जंतुओं का हृदय, जंतुओं का हृदय। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आता है मछली, और ये जो मछली होता है इसका हृदय जो है, इसके हृदय में अगर हम लोग देखें
इसका हट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें दो वेश्म होते हैं, दो वेश्म होता है, दो चेम्बर होता है, दो कक्ष होता है, ठीक है। और इसमें से एक होता है आलिंद और एक जो होता है वो निलय होता है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से मछली का हृदय अगर समझना है तो ये दो कक्ष में बटा हुआ होता है। जो ऊपर वाला कक्ष होता है इसको आलिंद कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ए का आलिंद ये मतलब नहीं समझेगा, ए का मतलब होता है एट्रियम और बी का मतलब होता है वेंट्रिकल। एट्रियम का मतलब आलिंद और वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, निलय। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मछली का हृदय जो उसमें कितने वेश्म होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, तो कितना होगा, दो वेश्म होता है, पहला एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है, ठीक है, उभयचर। और उभयचर जो होते हैं आपको मालूम है कि ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। अब इनका जो हृदय होता है इसमें तीन कक्ष होता है, तीन वेश्म होता है, तीन वेश्म होता है। इसमें से अगर बात करें तो दो आलिंद होगा और एक क्या होता है, निलय होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इसमें दो आलिंद होता है, एक दायां आलिंद होता है, एक बायां आलिंद, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और एक क्या होता है, निलय होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड, तो वो आता है सरीसृप, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग करके चलने वाले जंतु, जैसे सांप हो गया, ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं इनका भी हृदय में तीन वेश्म होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इनकम्प्लीट फोर चेंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो तीन वेश्म होते हैं, इसमें भी दो आलिंद होंगे, आलिंद, और एक क्या होगा, निलय। इस तरह का हृदय होता है इसका, इस प्रकार से बटा हुआ। निलय जो होता है वो बटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तीन कक्ष हैं। इसमें भी दायां आलिंद होगा, बायां आलिंद होगा, और नीचे ये क्या होगा, वेंट्रिकल। इसी में से कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल की बात करें तो उसमें कितना कक्ष होता है, चार। वो जो है वो रेप्टाइल्स है, लेकिन रेप्टाइल्स होने के बावजूद भी उसके हृदय में कितने वेश्म होते हैं, चार। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेप्शन, अपवाद करके क्रोकोडाइल, तीसरा चौथ, इसी में तीसरा में अपवाद कौन होगा, क्रोकोडाइल। और ये जो क्रोकोडाइल होता है इसमें कितना वेश्म होता है, चार वेश्म होता है, दो आलिंद होगा और दो ही क्या होगा, निलय। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें चौथा, तो उसमें आता है पक्षी एवं स्तनधारी। स्तनधारी जीवों में जैसे हम लोग जंतु आ जाते हैं, बड़े उच्च वर्गीय जंतु, मनुष्य भी आ जाता है। तो पक्षी और स्तनधारी जो जीव होते हैं इनके हृदय में कितना वेश्म होता है, चार वेश्म होता है, दो आलिंद होगा और दो ही कौन होगा, निलय। निलय देखिए कैसा होता है मनुष्य और पक्षियों का हृदय, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार से। तो उसमें से दो, ये जो होता है वो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार वेश्म में बटा हुआ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि कौन से जीव का जो हृदय होता है उसमें कितना वेश्म होता है, या इसी में से किसी जीव का नाम दे देगा और पूछेगा कि उसका हृदय में कितना वेश्म होता है। ध्यान रखना है मछली के हृदय में दो वेश्म होता है, एक आलिंद होता है, एक निलय। जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन का मतलब उभयचर, इसको उभयचर लिखिए, जैसे हम यहाँ पर उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रहते हैं, उनके हृदय में तीन वेश्म होता है, दो आलिंद होता है, एक निलय। इसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के हृदय में तीन वेश्म होता है, दो आलिंद और एक निलय। अपवाद रेप्टाइल्स का क्या है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जैसा होता है। और ये क्रोकोडाइल जो है इसके हृदय में कितना वेश्म होता है, चार वेश्म होता है, इसमें दो आलिंद होंगे और दो क्या होंगे, निलय। अगर पक्षी और स्तनधारी की बात करें तो इनके हृदय में भी चार वेश्म होते हैं, दो आलिंद और दो निलय, इस प्रकार से हृदय होता है। तो इसको भी आप क्या करिए, बनाते जाना है, नोट करते जाना है। इसके बाद हम लोग नोट करिए पहले, उसके बाद हम जंतु आप पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मानव हृदय, और मानव हृदय पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, मानव हृदय के बारे में, जंतु मनुष्य के बारे में ही पढ़ना है।
लेकिन ये सभी जानना जरूरी है। तो मानव हृदय का जो स्ट्रक्चर है वो अगले क्लास में आएगा, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में लिखना भी है, समझना भी है। तब तक के लिए धन्यवाद।